वेलकम पाकिस्तान इंडिया डायरेक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे, मजे में होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। बिल्कुल, मेरा नाम हमदास, मैं हूं बशीर। सो गाइस, आज की वीडियो एक बहुत ज्यादा मस्त किस्म की होने लगी है। तो यार, ये वीडियो ऐसी है कि वीडियो का जो टाइटल है वो है कंट्रीज दैट डिसलाइक इंडिया। मतलब आज हम ऐसी कंट्रीज देखेंगे, काफी सारी कंट्रीज होंगी जो इंडिया से मोहब्बत नहीं करती, मतलब इंडिया को पसंद नहीं करती। बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने लगी है। मतलब यार, मुझे पता पाकिस्तान का तो पता है और चाइना का भी पता है हमें, और कौन कौन सी कंट्रीज है। चाइना भी हो ना हो, उसके लोगों का मुझे नहीं पता। बिल्कुल। तो लेकिन आज प्रॉपर हमें पता लगेगा। पाकिस्तान का तो मुझे पता है, उसके बारे में हम आखिर पे बोलेंगे। तो बिना किसी देरी के देखते हैं और कौन कौन सी कंट्रीज है। और भाई मजा आने लगा, बिना किसी देरी के देखते हैं। तो मिस्टिकल लैंड का वीडियो, इनकी वीडियो का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। तो काउंट ऑन करते हैं, 3, 2, 1 एंड स्टार्ट। दोस्तों, अपने देश को डेवलप करने का सपना हर कोई देखता है। हर देश ये चाहता है कि उसका देश हर चीज में सबसे आगे हो। लेकिन आज के टाइम में अगर देखा जाए तो अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए किसी भी देश को बाकी के देशों से भी अच्छे रिश्ते बनाने होते हैं, जिससे उसे बहुत सी चीजों में मदद मिलती है, फिर चाहे वो सैन्य ताकत हो या कुछ और। लेकिन इसके साथ ही ऐसे भी बहुत से देश हैं जो एक दूसरे को फूटी आग नहीं सुहाते। आज हम आपको अपनी इस वीडियो में कुछ ऐसे देशों के बारे में बताएंगे जो भारत से नफरत करते हैं। तो चलिए और देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब देखते हैं भाई कौन कौन से। श्रीलंका। श्रीलंका हमारे पड़ोसी देशों में से एक है। ये कैसे? लेकिन ये भारत के खास मित्र देशों में से नहीं है। ये देश भी भारत से नफरत करने वाले देशों की लिस्ट में शुमार है। तो चलिए हम आपको बताते हैं। दरअसल श्रीलंका के लोग तमिल के लोगों को जरा भी पसंद नहीं करते। उनका कहना है कि उनका देश बहुत खास डेवलप नहीं है और इसकी वजह वहाँ रहने वाले तमिल लोगों को मानते हैं। इन्हीं सब मनमुटाव के चलते बहुत बार श्रीलंका के लोगों ने अपने देश में बहुत से तमिल लोगों को मारा भी है। इसी वजह से बहुत से इंडियंस भी श्रीलंका और वहाँ के लोगों को ज्यादा पसंद नहीं करते हैं। लेकिन दोस्तों, आपको क्या लगता है कि किसी भी देश में रहने वाले लोग ही क्या उसे डेवलप होने से रोक सकते हैं? हमारी राय अपने साथ कॉमेंट में जरूर साझा करें। पुर्तगाल। अगर ज्यादा लोग, दोस्तों अगला देश है पुर्तगाल। पुर्तगाल ये देश डेवलपमेंट के मामले में काफी ठीक, यहाँ तक कि यहाँ रहने वाले लोगों के लिए ये तक कहा जाता है कि ये लोग बहुत ही लॉयल होते हैं। लेकिन दक्षिण पश्चिम यूरोप में बसा यह देश भारत से नफरत करने वाले देशों की लिस्ट में शामिल है। तो चलिए अब जानते हैं कि आखिर इस देश की नफरत की वजह क्या है। इसकी वजह है 1961 का वॉर। अगर आप नहीं जानते तो हम आपको बता दें कि 1960 तक गोवा इंडिया के अंडर नहीं आता था। उस टाइम गोवा में पुर्तगालियों का कब्जा हुआ करता था। लेकिन 1961 में पुर्तगालियों को हरा कर इंडिया ने गोवा को अपने हक में कर लिया था। यही वजह है कि पुर्तगाल के लोग इंडिया से नफरत करते हैं। हालांकि दोस्तों, ये बात काफी पुरानी है। आज के टाइम में पुर्तगाल की जो न्यू जनरेशन है वो इंडिया को काफी पाकिस्तान। दोस्तों, अब बारी आती है पाकिस्तान की। इंडिया और पाकिस्तान के रिश्ते भी चक जाहिर है। छोटे से लेकर बड़े इंसान तक भी अगर किसी से पूछा जाए तो वो आपको इन दोनों देशों के रिश्ते के बारे में बता देगा। नहीं, I don't like this के हम दोनों इकट्ठे एक साथ रह सकते हैं। पाकिस्तान और भारत मतलब ज्यादातर लोग मतलब बदल पूरी दुनिया में शायद इन दोनों देशों जैसा कोई और दुश्मन देखने को मिले। इन देशों में आपको लोगों की कम और पॉलिटिकल पार्टीज की दुश्मनी ज्यादा देखने को मिलेगी। दोनों ही देशों की पार्टीज आए दिन एक दूसरे को टारगेट करती रहती है। पाकिस्तान कई बार ऐसी हरकतें कर देता है जिससे युद्ध जैसा माहौल बन जाता है। इसके साथ ही पाकिस्तान ये भी कभी नहीं चाहता कि भारत आगे बढ़े, और ऐसे ही उसके पास बहुत कारण है जिससे वो भारत से नफरत करता है। ऑस्ट्रेलिया। दोस्तों, अब जो नाम आप बताने वाले हैं उसे सुनकर आप भी शायद चौंक जाओगे। ऑस्ट्रेलिया। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ऐसा कैसे होता है। तो हम आपको बता दें कि भले ही दोनों देशों के बीच कोई बड़ी दुश्मनी नहीं है, लेकिन कुछ कारणवश ऑस्ट्रेलिया के लोग इंडिया के लोगों से नफरत करते हैं। कौन से? वैसे तो ऑस्ट्रेलिया बहुत ही डेवलप कंट्रीज में से एक है और यहाँ इंडियंस भी काफी संख्या में रहते हैं। पर असल में यही है इस देश में रहने वाले लोगों की असली प्रॉब्लम, क्योंकि यहाँ रहने वाले इंडियन सिटीजन्स को काफी तेजी से वहाँ की सिटीजनशिप मिल जाती है, जिसकी वजह से ऑस्ट्रेलियंस को जॉब मिलने में काफी दिक्कत होती है। दरअसल पिछले 10 साल ऑस्ट्रेलिया में जॉब्स पाई हैं, जिसके चलते ऑस्ट्रेलिया के लोग खुद को सेफ ही नहीं मानते। उनका कहना है कि इंडियंस के यहाँ आने से
जॉब कॉम्पिटिशन काफी बढ़ गया है और इसी के चलते कई बार भारतीय नागरिक को जॉब मिल जाती है और ऑस्ट्रेलियंस को नहीं। यही वजह है कि बहुत से ऑस्ट्रेलिया के लोग इंडियन से नफरत करते हैं। चाइना दोस्तों लिस्ट में अगला नंबर है चाइना का। चाइना और भारत के रिश्ते किसी से छुपे नहीं है, ये तो सभी जानते हैं कि चाइना को भारत कितना पसंद है। पिछले 10 से 15 सालों में चाइना ने काफी तरक्की की है, लेकिन उनकी तरक्की का रास्ता कैसे होता है ये भी सब जानते हैं। कभी ये नकली चीजें बनाते हैं, कभी दुनिया भर में वायरस फैलाते हैं। देश का बिहेवियर कई सालों से इंडिया के लिए काफी चेंज हो रहा है और अब ये तो सब जानते हैं कि चीन भारत का सबसे बड़ा दुश्मन बन चुका है। हालांकि चाइना की सिर्फ भारत के साथ ही नहीं बल्कि अमेरिका जैसे देशों के साथ भी दुश्मनी है। आज चाइना सबसे ज्यादा पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा है और ये बात किसी से नहीं छुपी है। ऐसे ही बहुत से कारण हैं जिसकी वजह से दोनों देशों के लोग एक दूसरे को कम पसंद करते हैं। टर्की आज से बहुत साल पहले देश बहुत बड़ा सुपर पावर रह चुका है। एक वक्त में इसका रुतबा बहुत हाई हुआ करता था, लेकिन आज का समय ऐसा नहीं है। एशिया और यूरोप दोनों देशों के बीच में पड़ने वाला है ये देश इंडिया को कुछ खास पसंद नहीं करता है। हालांकि बहुत से सर्वे को देखने के बाद ये पता चला है कि टर्की में इंडिया को लेकर दो तरह के मत हैं, जहां कुछ लोग इसे बहुत ज्यादा अच्छा देश नहीं मानते हैं। वही यहाँ की यंग जनरेशन के लोग इंडिया को बहुत पसंद करते हैं। कई बार ये देखने को मिलता है कि टर्की की हिस्ट्री और इंडिया की हिस्ट्री की वजह से यहाँ मतभेद देखने को मिल जाते हैं। बांग्लादेश, अब बात करते हैं बांग्लादेश की। ये देश भी हमारे पड़ोसी देशों में से एक है। यहाँ तक ये देश तो निकला ही हमारे भारत से था। लेकिन बांग्लादेश से आपने समय समय पर ये बयान तो सुने ही होंगे कि इंडिया उनकी तरक्की में हर जगह करता है। अगर भारत उनकी थोड़ी सी भी सहायता करता तो शायद वो और ज्यादा डेवलप हो सकता था, लेकिन ये सरासर झूठ है दोस्तों। भारत ने अपने सभी पड़ोसी देशों की हमेशा मदद की है और यही वजह है कि पिछले कुछ सालों में बांग्लादेश और भारत के रिश्ते में भी बहुत ज्यादा इम्प्रूवमेंट देखने को मिली है। तो दोस्तों ये थे वो देश जो भारत से नफरत करते हैं, लेकिन क्या आपको लगता है कि पूरी ऐसे के साथ हुई यार ये वीडियो खत्म। ओरिजिनल वीडियो का लिंक मिल जाएगा आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में। तो यार ये मतलब यार मैं सबसे ज्यादा यार पाकिस्तान चाइना का तो हमारे भी माइंड में था, पता था हाँ। और कहीं ना कहीं मुझे टर्की का भी थोड़ा बहुत माइंड में था हाँ। लेकिन पुर्तगाल का मुझे नहीं आइडिया था, लेकिन फिर मुझे पता लगा बांग्लादेश जिसके साथ इंडिया ने इतना साथ दिया, श्रीलंका जो कि अभी $5 मिलियन का भी लोन कुछ टाइम पहले मांगा, मतलब मैं श्रीलंका भी ऑस्ट्रेलिया भी बीच में था, मतलब वो ऑस्ट्रेलिया यार इतने अच्छे अभी तालुकात। ऑस्ट्रेलिया का रीजन बड़ा अजीब था कि जॉब ले रहे हैं, दवारी ले रहे हैं, ये बात है। उनका मेन मसला ये है कि सिटीजनशिप जब उनको मिलती है तो वो जॉब ले लेते हैं भाई। इंडियन अपने टैलेंट के दम पर फौरन जॉब ले जाते हैं और ऑस्ट्रेलियन नहीं ले पाता, तो अब इसमें इंडियन का कसूर नहीं है मेरे कह रहा, क्योंकि अगर उधर उनको उधर की सिटीजनशिप अगर मिलती है तो लाजमी बात है नागरिक हो गए तो उनको जॉब मिलेगी। अब वो ज्यादा टैलेंटेड है, अमेरिका में भी ये चीज हो रही है आजकल हो रही है। चलो उसका तो मसला था पाकिस्तान का यार, इस भाई ने खुद देखो बोला कि ज्यादातर तो पॉलिटिशियन की वजह से आग लगी है लोगों को। वाकई में लोग जब पॉलिटिशियन में ऐसा कुछ करते हैं तो फिर जाहिर बात है लोगों में भी आ जाती है, वही बात है पॉलिटिशियन। इसी तरह तीसरा कंट्री चाइना यार, उसका भी अपने रीजन है। चाइना हमेशा इंडिया के लैंड पर नजर रखता है तो नजर है, मतलब इस तरह फिर मुंह की खाता है तो चाइना के लोग भी फिर उन बेचारों को तो कुछ टीवी पे नजर ही नहीं आता उनके, सच में उनको तो पता ही नहीं है, कंट्रोल वगैरह कुछ भी नहीं है यार, उसको तो बिल्कुल बंद किया हुआ है हर चीज। बांग्लादेश का बहुत ज्यादा शौक लगा क्योंकि वो इंडिया ने बहुत ज्यादा सपोर्ट किया उनको यार, मतलब और जिस लिहाज से अगर देखा जाए जितनी मदद इंडिया ने की है शायद किसी देश ने की हो यार, सच में बहुत ज्यादा मदद इंडिया ने की है। तो श्रीलंका में मतलब तमिल लोगों की वजह से हुआ, तो ये यार रीजन है। सो गाइस आप लोग इसके बारे में क्या सोचते हैं कि मतलब इसमें आपको किस पे ज्यादा शौक लगा कॉमेंट सेक्शन में बताओ। इधर तो खत्म करते हैं अपना, बहुत ज्यादा ख्याल रखना। तो यार बाय।